मुख्यमंत्री की सोच जो है वो हमें बड़ी अच्छी लगी और हमारे परिवार के एक मुखिया की तरह हमसे पेश आए कि जैसे हमारे दादा हमारे पिताजी जो जैसे बैठ के बात करते हैं, इवन हमारी चेयर थोड़ी दूर थी और उन्होंने कहा कि इस चेयर को नज़दीक लेके आओ ताकि हम आमने सामने बैठ के बात करें। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के खेतों से लेकर खलिहानों तक, हरियाणा के शहरों से लेकर सड़कों की बदलती सूरत तक, शिक्षा में बढ़ते हरियाणा के कदमों से लेकर हरियाणा के गांव-गांव में पक्के होते मकानों तक, तकनीक से दक्ष हरियाणा के किसानों से लेकर खुशहाल होते हरियाणा के हर गांव शहर तक, हरियाणा के छोरे छोरियों का गांव की मिट्टी से निकलकर ओलंपिक में लठ गाड़ने तक, खेती ट्रैक्टर देसी बोली से लेकर नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और फोगाट बहनों तक, हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री की सोच जो है वो हमें बड़ी अच्छी लगी और हमारे परिवार के एक मुखिया की तरह हमसे पेश आए कि जैसे हमारे दादा हमारे पिताजी जो जैसे बैठ के बात करते हैं, इवन हमारी चेयर थोड़ी दूर थी और उन्होंने कहा कि इस चेयर को नज़दीक लेके आओ ताकि हम आमने सामने बैठ के बात करें। हरियाणा सरकार ने इस हफ्ते किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। दरअसल हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गन्ने की कीमत में 12 रुपए की बढ़ोतरी की, जिसके बाद से हरियाणा में गन्ने का रेट 362 रुपए हो गया। शुगरफेड की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी। वहीं हरियाणा में गन्ने के भाव बढ़ने पर किसानों में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित भी किया है और सीएम का मुंह मीठा भी कराया। गन्ना किसानों के लिए आई इस खुशखबरी पर एक रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा के किसानों को मिली खुशखबरी। हरियाणा में गन्ना किसानों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने बढ़ाए गन्ने के दाम। प्रति क्विंटल मूल्य में की 12 रुपए की वृद्धि। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। राज्य सरकार ने गन्ने के दाम में 12 रुपए की वृद्धि करने का फैसला किया। राज्य में अब गन्ने की कीमत 362 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ने की मूल्य वृद्धि का फैसला शुगरफेड की बैठक में लिया गया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अपने 12 रुपए प्रति क्विंटल दाम को बढ़ाकर अपने यहाँ सबसे ज्यादा रेट कर लिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने की कीमतों में वृद्धि करने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपए रेट था, हम 362 रुपए इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपए ज्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। 12 रुपए रेट बढ़ा। आज किसान हितैषी फैसले कल हमारे प्रधानमंत्री ने लिए। सरसों का भाव 400 रुपए बढ़ाया, दालों के भाव हमने पहले से ही कर रखे हैं, चने का भाव बढ़ाया, गेहूँ का भाव बढ़ाया, जौ का भाव बढ़ाया। मंडियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे अच्छी है, डायरेक्ट पेमेंट हम करते हैं। किसान हमारे हरियाणा के, वो समझते हैं कि हरियाणा सरकार से ज्यादा किसान हितैषी नीति हमारे पड़ोसी प्रदेश की किसी की नहीं है। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गन्ने की नई वैरायटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और केंद्रीय वैज्ञानिकों ने मिलकर गन्ने की एक नई वैरायटी बनाई है जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। पिछले साल की जो हमारे सारे प्राइवेट और कॉपरेटिव शुगर मिल की रिकवरी जो है, गन्ने की क्वालिटी कमजोर रहने की वजह से 0.34 घटी है,
इस बार जो रिकवरी आई है 10.58 से घट के पिछले साल से 10.44 आई है। जमने के अंदर ये महसूस किया गया कि जो आजकल भी चल रहा है 216 नंबर, उसमें कुछ बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं, तो इसको हमारे जो साइंटिस्ट थे, केंद्र के वैज्ञानिक थे, जीवी के वैज्ञानिक थे, उनसे चर्चा की और एक नई वैरायटी की खोज की गई है 15-03 करके। और जो हमें बताया गया है कि ये रिकवरी जो आम तौर पर शुगर की रिकवरी 10.5% के आसपास आती है, 100 किलो के गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी निकलती है, जो नई वैरायटी की खोज की है वो 14 किलो तक जाएगी। अगर ये वैरायटी हरियाणा के अंदर किसानों के अंदर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे तो एकदम से उसको उत्पादन जो है चीनी का 30% बढ़ जाएगा और किसान को भी लाभ होगा, शुगर मिल को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक देने की घोषणा करने पर राज्य भर के सैकड़ों किसान शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने चंडीगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री के धन्यवाद समारोह में करनाल से आए किसान गुलाब सिंह और जींद से आए किसान स्वरूप सिंह ने कहा कि पूरे देश में गन्ने के भाव हरियाणा में सर्वाधिक करने पर मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराकर उनका धन्यवाद करने आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि गन्ने का भाव हमने पहले भी बढ़ाया, इस बार भी बढ़ाया है और अगले वर्ष एक बार फिर से बढ़ाएंगे। जदों कोई भी किसान दा पुत्तर होए, ओदे फसल दा वधिया रेट मिले, ओदे दिलों खुशी हुंदी है। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਫਸਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਕੇ ਦਾਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ 2250, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ, 400 ਰੁਪਏ, 500 ਰੁਪਏ, 600 ਰੁਪਏ ਟੇ ਕਰਵਾ, ਔਰ ਵਿਕੇ ਤੇ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਕੇ। ਤੋ ਜੀ ਗੰਡੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, इसमें कोई कमी नहीं। गेहूँ का भाई भी तो पहले ही दे दिया, ये वो सामान कराया जी, मन ने उसको पगड़ी पहनाई, धन्यवाद करने आया था, उससे मेरे गले में यूँ पहनाया। हम तो अब बढ़ाए हैं, अगले साल फिर बढ़ाएंगे, उससे अगले साल फिर बढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आखिर तो चीनी मिलों को जितना भी घाटा है वो हम देते हैं। जैसा बताया FRP और SAP का जो डिफरेंस है वो हम देते हैं, हर एक मिल को देते हैं, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। किसान, शुगर मिल और सरकार को होगा फायदा। इस बड़ी घोषणा के बाद ANB न्यूज से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा जिस तरह से पहले पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट हरियाणा के थे, उसी सिलसिले में 12 रुपए प्रति क्विंटल के रेट बढ़े हैं। मैं से आप जो हम कहते हैं कि कितना प्रभाव या कितना किसानों को लाभ होगा जो रेट बढ़े हैं? देखो, इससे अगर एक रुपए भी मतलब हम बढ़ाते हैं तो कम से कम सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए का भार पड़ता है और किसान को भी काफी इससे फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो शुगर हमारी शुगर की जो रेट पड़ता है और जो गन्ने का रेट, उसमें गैप है, वो सरकार देती है और सरकार के ऊपर भी वजन बढ़ता है। सरकार लोन देती है कि किसानों को पेमेंट टाइम पे होता कि, तो हमारे जो सब्सिडी देती है सरकार, किसानों के हित को देखते हुए ये गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। हालांकि सरकार पे तो दबाव पड़ता है, लेकिन किसानों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये गन्ने के रेट बढ़ाए हैं और इससे को हम पूर्ति करने के लिए अभी हमने जो हमारा जो अब इस टाइम जो वैरायटी गन्ने की चल रही है 216, उस वैरायटी में कुछ रोग आ गए थे, रेड रोटन जो बीमारी है वो आ गई थी और उसकी वजह से पिछले साल हमारी जो रिकवरी है उसमें भी 0.32-0.34 के लगभग रिकवरी भी हमारी कम हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नई वैरायटी हमने 13-15-023
15023 जो वैरायटी है उसको अब ज्यादा से ज्यादा हम उसको किसानों को देंगे। और जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ना एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया है कि इसकी जो रिकवरी होगी वो लगभग 14% के आसपास आएगी, तो अगर इस तरह की अगर ये रिकवरी आती है तो हम किसानों को किसानों को इससे और भी ज्यादा फायदा होगा और जो रेट बढ़े हैं उससे सरकार को भी कुछ इतना ज्यादा वजन। एक और बड़ा फैसला जो है शुगर फेड की बैठक में ये हुआ है कि एथेनॉल प्लांट जो लगने हैं उसके काम की समीक्षा भी की गई है। एथेनॉल अगर बनना शुरू होगा तो शुगर मिलों का जो घाटा है वो कम हो पाएगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार नए आयाम लिख रही है। शिक्षक दिवस के मौके पर 48 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मजबूत इरादे साबित भी कर दिए हैं। इसलिए तो हरियाणा के प्रत्येक बच्चे को सही से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार के प्रयास दिखा रहे रंग। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में बदल रही तस्वीर। 48 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास। खेलों के साथ बच्चों को मिल रहा पढ़ने का मौका। हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के 48 करोड़ के 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के 48 करोड़ के 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ट्रांसफर होते ही सॉफ्टवेयर देगा जानकारी। प्रदेश में शिक्षक अपने तबादले के लिए पहले जहां मंत्रियों और नेताओं के घरों के चक्कर लगाते थे, वहीं हरियाणा सरकार में ये परंपरा पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अब शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता आई है और शिक्षक भी खुश हैं। अध्यापकों को हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, कब हमारे पॉलिटिकल साहब नाराज हो जाएं और कब उठा के काम फेंक दें। हमने उनसे खींच लिया सारा, हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स हालांकि हमारे ही हैं लेकिन उनके हाथ में से ताकत खींच ली। हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, जो जहां जाना चाहता है सीनियोरिटी वाइज उसको वहां भेज देंगे। कोई किसी का लेटर डीओ लेटर नहीं आएगा कि इसको यहां ट्रांसफर करके यहां से यहां भेज दो। और 92% टीचर्स वो इससे सेटिस्फाइड हुए। हरियाणा मना रहा शिक्षा पर्व। हरियाणा के विद्यार्थी तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बने, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा उनका कौशल विकास किया जा रहा है। पलवल में प्रदेश सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आरंभ की, उसमें कौशल विकास के लिए अनेकों से भी अधिक कोर्स चलाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार इस बार शिक्षा पर्व मना रही है। शिक्षा का मंदिर हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये शिक्षा का मंदिर है। इसमें आज मेरा आगमन हो रहा है, ये मेरा दूसरा आगमन है। इससे पहले मई 2017 में मैं यहाँ आया था, उस दिन भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था लगभग 107 करोड़ का। और आज भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया है। ऐसी नई परियोजनाएं लगभग 47-48 करोड़ की आज भी हुई है। तो ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स नए बनाए गए हैं, इनको चाहे वो नीम का पत्थर रखा गया, चाहे वो उद्घाटन किया गया है, ये केवल इमारत बनाने के लिए नहीं किया गया है, ये हमारे सपनों का मंदिर। वो कैसा हो, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी बनेंगी, ये उसके लिए शुरुआत की गई है। इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो इस शिक्षा के मंदिर में आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं। आज ये जो
शिक्षा दिवस है, इसको हम अगले आने वाले दिनों में शिक्षा पर्व के रूप में मनाएंगे, 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। परामर्श के बाद बनी नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा सरकार ने शिक्षकों को विशेष सम्मान देते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की शुरुआत की। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति, इसके ऊपर जो एक काम करवाया है वो बहुत, लगभग 2 लाख लोगों से इस शिक्षा नीति पर परामर्श किया गया। जो परामर्शदाता थे, बहुत से लोगों की इसमें राय ली गई। ओपन हाउस में भी इसको रखा गया। अंत में जो शिक्षा नीति बनकर के आई, इसे एक अच्छे भविष्य के लिए लागू किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा लाभ। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब अति गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। अधिकारियों को एक एक मॉडल संस्कृति स्कूल गोद लेने का निर्देश। हरियाणा में 137 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे। हरियाणा में 1418 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल चल रहे। सीनियर सेकेंडरी में बच्चों की संख्या 27.90% तक बढ़ी है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 16.73% तक बढ़ी है। ब्लैक की जगह डिजिटल पर हो रही पढ़ाई। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा प्रणाली को बना दिया आसान। मनोहर लाल ने स्कूल स्थापित करने की दिशा में किए गए कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग आने लगी है, अधिकारी संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। नई शिक्षा नीति के अनुसार मॉडल संस्कृति स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के साथ ही हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प विद्यार्थियों को दे। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जे गणेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के अनुसार राज्य में 137 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1418 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी में बच्चों की संख्या 27.90% और प्राथमिक स्कूलों में 16.73% तक बढ़ी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मानकीकृत टेस्ट लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति, इसके ऊपर जो एक काम करवाया है, बहुत लगभग 2 लाख लोगों से परामर्श किया इस नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले। जो परामर्शदाता थे, बहुत से लोगों की राय उसमें ली गई। ओपन हाउस में भी उस विषय को रखा गया और अंत में जो शिक्षा नीति बनकर के आई है, ये एक भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हम सब एकत्र हुए हैं, हमने भी उसमें काम करना शुरू किया है। सबसे पहले तो हमने हायर एजुकेशन काउंसिल, ये इसलिए बनाई कि हायर एजुकेशन के अंदर किस प्रकार क्वालिटेटिव चेंजेस ला सकते हैं। श्री बीके कुठैला जी के नेतृत्व में इस काम को हमने शुरू किया कि इंडिपेंडेंटली शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, ये शिक्षाविद ही बैठ करके विचार कर सकते हैं। हम सरकार के लोग तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकते हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में आप जैसे सहयोगी निजी विश्वविद्यालयों को इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी कुछ सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता हम कर सकते हैं। बहरहाल हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक अच्छे कदम उठाए हैं,
जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मॉडल संस्कृति है। इसी कारण से हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को अच्छी तकनीकी से एजुकेशन दिलाना है। तो साथ ही कहते हैं, पढ़ेगा हरियाणा तभी तो आगे बढ़ेगा हरियाणा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के युवाओं ने खेलों के अलावा पिछले कुछ वर्षों में सरकारी और निजी नौकरियों में भी अव्वल स्थान हासिल कर साबित कर दिया कि उनको हरियाणा सरकार की तरफ से सही अवसर और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा तो वे भी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा वर्ग के जोश और जज्बे को दिशा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कई पुरानी नीतियों में संशोधन किया है और समय की आवश्यकता के अनुसार नई नीतियां भी लागू की है। पेश है एक खास रिपोर्ट। बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा, कोचिंग देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य। हरियाणा सरकारी नौकरियों के लिए देता है कोचिंग, कौशल विकास करके निजी कंपनियों में करवा रहे हैं प्लेसमेंट। रोजगार देने में पड़ोसी राज्यों से आगे है भारत प्रदेश। हरियाणा की जनता के लिए काम करने में मशगूल रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा वर्ग के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं शुरू की। प्रदेश के युवाओं ने मिशन मेरिट को खूब पसंद किया। गरीब और मेहनती युवाओं को प्रतिभा के दम पर सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पद हासिल हुए। सरकारी और निजी नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को दी जा रही हाई लेवल कोचिंग और कौशल विकास प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा हुई तो कई अन्य राज्य अनुकरण के लिए आगे आए। रोजगार देने में पड़ोसी राज्यों से आगे हरियाणा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन ने लगाई मुहर। देश की बेरोजगारी दर 13.3%, दिल्ली राज्य की बेरोजगारी दर 12%, पंजाब की बेरोजगारी दर 10.8%। सीएम मनोहर लाल के फैसलों का कमाल। हरियाणा में बेरोजगारी की दर मात्र 9.9%। देश के सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन ने हरियाणा सरकार की तरफ से भारी संख्याओं में युवाओं को दिए जा रहे रोजगार पर अपनी मुहर लगाई। इसी संगठन की तरफ से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर नीति आयोग और भारत सरकार अपने सभी नीतिगत निर्णय लेती है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 13.3% की तुलना में हरियाणा की बेरोजगारी की दर मात्र 9.9% है। ये बेरोजगारी दर पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस संगठन के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर दिल्ली राज्य की 12%, राजस्थान की 15.1%, उत्तर प्रदेश की 13.4% और पंजाब की दर 10.8% है। उक्त संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े जहां हरियाणा में पिछले 6 से 7 सालों में हुए विकास को रेखांकित करते नजर आते हैं तो वहीं प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही साबित करते हैं। देश के युवाओं में सरकारी नौकरी का क्रेज। सरकार दे रही बैंकों और रेलवे के लिए कोचिंग। 2 अग्रणी निजी संस्थानों से करार किया
युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर मौजूद। हर वर्ष 200 जॉब फेयर लगाने का प्रोजेक्ट। वैसे देश के युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति हमेशा से क्रेज रहा है, इसीलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की IAS से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, राज्य की HCS परीक्षा से लेकर क्लर्क तक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और रेलवे की नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में दो अग्रणी निजी संस्थानों से करार किया हुआ है, जो कि प्रथम बैच में करीब 50,000 मेधावी युवाओं को मुफ्त कोचिंग दे रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया। निजी क्षेत्र में विविध प्रकार के कौशल से युक्त युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और ITI पॉलिटेक्निक उच्च शिक्षण संस्थानों से इकट्ठा कर हरियाणा के युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया। यही नहीं, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर्स को रोजगार पोर्टल पर संयोजित किया गया। रोजगार पोर्टल पर युवाओं के विवरण का संवर्धन करने और उनको निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए रोजगार विभाग द्वारा 35 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से बेरोजगारों से उनके काम करने के इच्छुक क्षेत्र, कौशल विकास और कोचिंग लेने बाबत पूछा जाता है, ताकि उनको जरूरत के अनुसार सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राज्य सरकार ने हर वर्ष 200 जॉब फेयर लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। हरियाणा सरकार की सक्षम युवा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर 2016 से सक्षम युवा योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और 100 घंटे मानद कार्य की एवज में मानदेय प्रदान करने के लिए शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 को शुरू किया गया, और बाद में योजना के तहत पात्र विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान, वाणिज्य और कला स्नातकों को शामिल किया गया। अगस्त 2019 से पात्र 10+2 पास प्रार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया गया। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000 रुपए, स्नातक बेरोजगारों को 1,500 रुपए और 10+2 पास बेरोजगारों को 900 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और उक्त के लिए अतिरिक्त 100 घंटे मानद कार्य करने के एवज में 6,000 प्रति माह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। सक्षम युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए सक्षम पोर्टल पर ऑनलाइन प्रावधान किया गया। यह प्रशिक्षण हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय, तकनीकी शिक्षा विभाग, हार्ट्रोन और हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड संगठन की तरफ से दिया जाएगा। यही नहीं, कौशल प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु सहायता की जाती है। हरियाणा सरकार प्रदेश के हर युवा को रोजगार युक्त करना चाहती है। काम करने की इच्छा रखने वाले किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। बहरहाल हरियाणा सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं से प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मौका तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ सरकार के इस कदम से हरियाणा के नागरिकों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा और मजबूत हुआ है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट वह हरियाणा का, जिसमें हर रोज एक क्विज के जरिए हम आपसे हरियाणा से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। इन सवालों का आपको हमें कॉल करके जवाब देना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वह हरियाणा में आज के सवाल क्या है।
और आज का सवाल है, जो हरियाणा सरकार ने इस हफ्ते किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है उसे लेकर आपको बताना है। गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव कितने बढ़ाए हैं, साथ ही आपको ये भी बताना है कि हरियाणा में कितनी चीनी मिले हैं, और इसके लिए आपको कॉल करना है 01763-234026 और 01763-234029 पर। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हरियाणा से जुड़े आसान से सवाल का आपको जवाब देना है। तो लगातार वहां हरियाणा में हम आप तक सवाल पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि हरियाणा में गन्ने का रेट अब क्या हो गया है। कॉल करें, जवाब दें और बताएं कि हरियाणा में गन्ने की जो कीमत है अब कितनी हो गई है। वह हरियाणा में आज का सवाल, हरियाणा से जुड़े आसान से सवालों का आपको हमें जवाब देना है। और वह हरियाणा में लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि गन्ने की कितनी रेट हरियाणा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। बताएं हरियाणा में कि अब गन्ने का रेट क्या हो गया है। और एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, प्रियव्रत, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियव्रत, आप वह हरियाणा देख रहे हैं लगातार और आपको हम सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हरियाणा सरकार ने कितनी रेट बढ़ाई है गन्ने की और अब हरियाणा में गन्ने की कितनी रेट हो गई है। प्रियव्रत जी, हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में प्रति क्विंटल 12 रुपए की वृद्धि की है जी। और इसी के साथ अब हरियाणा में कितने रुपए हो गया है गन्ना प्रियव्रत? चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना जवाब हम तक पहुंचाया। तो वह हरियाणा में आज का सवाल है कि अब हरियाणा में गन्ने का रेट कितना हो गया है, सरकार ने कितना रेट बढ़ाया है और इसके साथ अब हरियाणा में गन्ने का रेट क्या है। इसके अलावा सवाल ये भी था कि हरियाणा में कितनी चीनी मिले हैं। तो इन नंबर्स पर आपको लगातार कॉल करना है और कॉल करके अपने जवाब आपको हम तक पहुँचाने हैं। तो वह हरियाणा में हमने आप तक सवाल पहुंचाए, अब हम आपको इन सवालों का जवाब भी बता देते हैं। सवाल जो थे वो एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूं कि हरियाणा में गन्ने का रेट कितना हो गया है और इसके बाद हरियाणा में कितने रुपए में इस समय गन्ना बिक रहा है। ये तमाम सवाल थे और अब इन सवालों के जवाब एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो क्विज के जो सवाल थे उनका जवाब है, सरकार ने प्रति क्विंटल मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि की है, यानी कि हरियाणा में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने प्रति क्विंटल 12 रुपए की बढ़ोतरी की है। गन्ने की जो रेट है वो 12 रुपए बढ़ा दी गई है प्रति क्विंटल। हरियाणा में गन्ने के दामों में 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में गन्ना किसानों को बड़ी राहत यहां पर सरकार के द्वारा दी गई है। वहां हरियाणा में जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उनका जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में अब किसानों को 362 रुपए क्विंटल का रेट मिलेगा। वाकई में हरियाणा ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत यहां पर प्रदान की है और गन्ना किसानों के लिए एक सुखद खबर यह है। इस वृद्धि के साथ ही हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। हरियाणा में गन्ना किसानों के लिए सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। और इसी के साथ हरियाणा दिस वीक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री की सोच जो है वो हमें बड़ी अच्छी लगी और हमारे परिवार के एक मुखिया की तरह हमसे पेश आए कि जैसे हमारे दादा हमारे पिताजी जो जैसे बैठ के बात करते हैं, इवन हमारी चेयर थोड़ी दूर थी और उन्होंने कहा कि इस चेयर को नज़दीक लेके आओ ताकि हम आमने सामने बैठ के बात करें।